हेलो एवरीवन, जैसे कि आप जानते हैं भारत में जो कोरोना के केसेस हैं वो तो कहीं ना कहीं दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। आज जो केसेस हैं लगभग 2,08,000 के आसपास केसेस आए हैं, मगर जो फंगस के केसेस हैं ना वो डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। आपने देखा होगा प्रीवियस न्यूज़ में ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस, ये तीन प्रकार के फंगस जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं इनसे संबंधित केसेज। और जो भी ये केसेज हो रहे हैं ना, मैक्सिमम ब्लैक फंगस के ऊपर मैं डिस्कस करना चाहूँगा। जो ब्लैक फंगस के केसेज हैं वो मैक्सिमम हो रहे हैं कोविड पेशेंट को ही, मतलब कोविड पेशेंट रिकवर करके जब वापस आ रहे हैं तो उसमें देखे जा रहे हैं कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस के सिम्टम। अगर बात करें इसके पीछे मेन रीजन जो आज के एक आर्टिकल में लगाया गया है, आप देख सकते हैं इंडिया टुडे का आर्टिकल है आपके सामने, इंडिया टुडे का, वो बोल रहा है जो ब्लैक फंगस है उसका कहीं ना कहीं मेन रीजन क्या है, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन। देखिए दो टर्म्स जो हैं वो आपने इस साल में बहुत सुनी होंगी, मेडिकल ऑक्सीजन और इसके अलावा फंगस, ये दो टर्म्स आप बहुत सुन रहे होंगे जो नई प्रकार की टर्म्स हैं आपके लिए। अब इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन और मेडिकल ऑक्सीजन में क्या अंतर है उसको तो मैं आपको विस्तार में समझाऊंगा मेरे चैनल प्लेइंग विद जीके पे, मगर जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है ना वो इतनी ज़्यादा प्योरीफाई नहीं होती एज़ कम्पेयर टू जो ऑक्सीजन है मेडिकल वाली। ऑक्सीजन जो होगी मेडिकल वाली वो 99.67% के आसपास प्योरीफाई होती है, उसके सिलेंडर जो होते हैं वो साफ होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन। और इसी को मुख्य कारण, मुख्य वजह बताया जा रहा है कहीं ना कहीं जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा, कि कहीं ना कहीं ये मेन रीज़न हो सकता है ब्लैक फंगस का बढ़ने का और इतनी तेज़ी से बढ़ने का। ठीक है, अगर इसके बारे में विस्तार जानकारी आप चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है चेतन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।